हेलो एंड वेलकम किसान भाइयों, मेरा नाम है अमरीक और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमी सिंह टेक में स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम कपास के उखेड़ा रोग के बारे में बात करने वाले हैं कि यह रोग क्यों आता है, कब आता है और इसकी रोकथाम के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। तो किसान भाइयों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए किसान भाइयों, शुरू करते हैं। जैसा कि किसान भाइयों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि उखेड़ा रोग से ग्रसित पौधे की पत्तियां पूरी तरह से मुरझा गई हैं और उसके फल और टिंडे गिर रहे हैं। किसान भाइयों, यह रोग उन किसान भाइयों के खेत में ज़्यादा दिखाई दे रहा है जिन्होंने अपने खेत में बारिश आने से पहले सिंचाई की हुई थी या फिर पानी लगाया हुआ था, जिसके कारण कि पौधे और खेत में ज़्यादा पानी होने के कारण यह समस्या आ रही है। पौधों की जड़ों में ज़्यादा देर तक पानी रुकने के कारण यह समस्या कपास में दिखाई दे रही है। जैसा कि किसान भाइयों आप देख सकते हैं कि इस खेत में कहीं कहीं पौधे हैं वो उखेड़ा रोग से प्रभावित हुए हैं, जैसा कि आप स्क्रीन में वीडियो में देख सकते हैं। और इसी प्रकार से अगर आपके खेत में भी उखेड़ा रोग के पौधे दिखाई दे रहे हैं तो सबसे पहले आपको यह काम करना है कि खेत में कोई भी सिंचाई नहीं करनी है, उसको पूरी तरह से सुखा लें। और अगर आप अपने खेत में किसी प्रकार का कोई फंगिसाइड यूज़ नहीं करना चाहते और बारिश की वजह से आप अपने खेत को भी सुखा नहीं पा रहे हैं तो आप अपने खेत में कोबाल्ट क्लोराइड की स्प्रे करा सकते हैं, जिसकी डोज 200 ग्राम 200 लीटर पानी के अंदर डालकर अपने खेत को अच्छी तरह से स्प्रे करवा दीजिए और इसका रिज़ल्ट 5 से 7 के दिन के अंदर आप देख खेत में खुद देखेंगे कि आपकी फसल रिकवरी कर रही है। तो आशा करता हूँ किसान भाइयों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, धन्यवाद।